छब्बीस जनवरी का दिन है और साडे देश के इतिहास के विच गणतंत्र दिवस की बहुत वड्डी अहमियत है। आजादी तो बाद बहुत वड्डी सोच नूं मुख रख के ते देश का संविधान जिहड़ा वो तैयार किया गया सी और 26 जनवरी 1950 नूं ये लागू किया गया। कल नूं 26 जनवरी है, मैं सारिआं नूं एडवांस दे विच परसों मुबारकबाद भी परसों 26 जनवरी है, मैं सारिआं नूं एडवांस दे विच मुबारकबाद भी दिंदा। पर अज असीं श्रोमणी अकाली दल वल्लों सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब भी, मैं भी, सरदार अर्शदीप सिंह जी कलेर भी अपने वालों एक वड्डी जिम्मेवारी निभा के गवर्नर साहब को बेनती करके आए हैं कि इस दिन की अहमियत नू मुख रखद्या होया जिहड़ियां शख्सियतां 26 जनवरी नू झंडा चलाउण जा रही हैं, कृपा करके ये गल इंश्योर करो कि वो व्यक्ति जिन्हां दे उत्ते बहुत घटिया तरीके के दोष है, जिदे विच कटारू चक शामिल, जिहड़ियां सीढ़ियां पहला गवर्नर साहब नूं दित्तियां जा चुकियां, जिदे विच अज एक होर मंत्री दे सारे सबूत जिहड़े आ उहदा विस्तार तुहानूं जिठिया साहब हुणे दस दिंदे आ, बलकार सिंह जिहड़ा कैबिनेट मिनिस्टर आ उहदे सारे सबूत, जो कुछ हरकतां मंत्री वल्लों कीतियां जा रहियां वीडियो समेत वह भी गवर्नर साहब के ध्यान दे विच लिआंदा। एक मंत्री अमन अरोड़ा जिन्हां दे अदालत ने फैसला किया, सज़ा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक 2 साल की सज़ा होने ते 1 मिनट भी उस तो बाद वो MLA नहीं रह सकते, जे MLA नहीं रह सकते तो मंत्री कितों रह सकते हैं। उन्हां दा भी जेकर इस रिप्रेजेंटेशन जिहड़ी असीं लंबी चौड़ी सारी बना के दे के आए हाँ, इस तरह एक साबका MLA अमरजीत सिंह संदोवा का भी जिक्र आ जिन्हों झूठिया पुलिस क्लीयरेंस दे के कनेडा दियां सैरां करवाइया जा रही, स्पीकर साहब आप नाल खड़ के उहदी जिम्मेवारी लै रहे हैं, जिन्हां ते बड़ी वड्डी जिम्मेवारी विधानसभा के कस्टोडियन होने के नाते पैंदी आ, वो आप गलत सर्टिफिकेशन के तरीके उन्होंने कैनेडा वर्गे देशों दी सैरां जिहड़ियां वो सर्टिफाई करके नाल पुलिस तो सर्टिफाई करवा के करवा रहे। इस करके असी गवर्नर साहब नूं बेनती की है कि इन्हां मंत्री साहबाना ने झंडे चलाउण वास्ते जाना और इस दिन उत्थे साडी पुलिस भी उत्थे मौजूद होंदी है, उन्होंने सल्यूट भी करना इन्हां सारिआं नूं, उत्थे स्कूलों के बच्चे भी होंदे आ जिन्हां दे दिल दे विच हुंदा है कि ये जिहड़ा साडा देश का राष्ट्रीय झंडा चलाउण वास्ते मंत्री साहब आए हैं बहुत वड्डी शख्सियत है, उन्हां बच्चों ने एक रोल मॉडल के तौर के उत्ते इन्हां नूं फॉलो भी करना, तो असीं अज अपनी जिम्मेवारी निभा के आए हाँ कि गवर्नर साहब नूं कि तुसीं साडे कॉन्स्टिट्यूशनल हैड हो, तुसीं देखना कि सूबे दे विच संविधान लागू हुंदा है कि नहीं हुंदा। इस करके असी तुहानू बेनती करन वास्ते आए हाँ कि इस तरह के व्यक्ति जिन्हां दे उत्ते किसी के मुंडे दे नाल बदफली करन दे दोष है, किसी दे नाल किसी लेडी नू एक्सप्लॉइट करन दे जिहड़े आ वो झूठे दोष है, वो दोष है, इन्हां दी सारिआं दोषां दी जिहड़ी है निरपक्ष जाँच जिहड़ी है वो होनी चाहीदी है और इन्हां नू तुरंत जिहड़ा अपनी वजारत दे विच्चों डिसमिस करना चाहिए। ये डिजर्व नहीं करते कि परसों जाके अपनी गड्डियों के उत्ते भी झंडियां ला के ते जाके स्टेडियम जिहड़े जिथे परेड होनी है उन्हां थावां दे उत्ते जाके ये जिहड़े ये झंडे चलाउण, इस करके इन्हां दे उत्ते जिहड़े गंभीर दोष लगे है उन्हां दी निरपक्ष जाँच होनी चाहीदी है, पर जाँच तो पहले जरूरी है कि इन्हां नूं अपने अहुदे तों हटा के ते फिर
निरपक्ष जांच जी शुरू हो गए तो इन्हों सख्त सजावं दिखाई जान ता जो अगे तो इन पोजिशन से बैठ के कोई होर इस तरह का काम करना वो हिम्मत ना करे। ये असी सांझी रिप्रेजेंटेशन जी है इन्होंने मंत्री साहबान के खिलाफ जी है वो गवर्नर साहब को दे के आए हैं। बाकी अजीत साहब डिटेल तुम दस दें।